तो सियासी बदलाव कैसे मुद्दों को लेकर नजरिया भी बदल देते हैं, ये भी आज हम आपको बता रहे हैं। एक दिन पहले तक बीजेपी जब बिहार की सत्ता में साझेदार थी तो पीएफआई, आतंकवाद, तुष्टीकरण जैसे मुद्दे बिहार में बीजेपी के एजेंडे में नहीं थे, लेकिन आज विपक्ष में जाते ही बीजेपी के लिए ये मुद्दे नीतीश को घेरने का हथियार बन गए हैं। यहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता का समीकरण मुद्दों की तासीर बदल देता है और क्या सत्ता के लिए मुद्दों से भी समझौता होता है। जो पीएफआई के रूप में स्लीपर सेल बन रहा है, सरिया कानून स्थापित करने की कोशिश हो रहा है, बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर पीएफआई की गूंज है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर आईएसआईएस की गूंज है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर स्लीपर सेल की गूंज है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर शुक्रवार वाली छुट्टी पर शोर है। सरकार बदलते ही बिहार के सियासी समंदर में आतंकवाद जैसे मुद्दे हिलकोरे ले रहे हैं। आज देश के अंदर जो भारत की अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो पीएफआई के रूप में बिहार में स्लीपर सेल बन रहा है, वो मुद्दा है। तो सवाल है, क्या सियासत में सत्ता आतंकवाद से भी ज्यादा अहमियत रखती है? क्या सत्ता के लिए आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या भी चुनावी हथियार है? बिहार में नई सरकार बनते ही नई सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बिहार के फुलवारी में टेरर मॉड्यूल के खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कैसे गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही थी, कैसे मार्शल आर्ट के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, संदेह के घेरे में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन हैं, एनआईए लगातार ऐसे संगठनों पर एक्शन ले रही है, जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन अब जब बिहार में गठबंधन बदल गया, सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, तो इसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी को लेकर भी मजहबी विवाद चल रहा है। सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का विरोध हो रहा है। रविवार की जगह शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए स्कूलों की बंदी पर राजनीतिक तकरार शुरू हो चुकी है। एक देश एक कानून के खिलाफ सरिया कानून स्थापित करने की कोशिश, 500 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रहा है, ये मुद्दा है। ये मुद्दा फल फूल रहा है इसलिए कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले 90 से लेकर के अब तक हमको जब जब मौका मिला हम इस विषय को उठाते। इसमें कोई शक नहीं है कि देश को खोखला करने वाले आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। देश और प्रदेश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लिहाजा ऐसे गंभीर मसलों पर राजनीति से ज्यादा एक्शन की जरूरत है।